नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चीन और पाकिस्तान अब न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बन गए हैं। दोनों एक ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटे हैं जिससे भारत अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों में कोरोना से ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं। दोनों देशों ने इसके लिए 3 साल की सीक्रेट डील भी की है। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। इसमें कहा गया है कि साजिश के तहत एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस पर काम किया जाना है। इस बारे में खुफिया जानकारी मिल चुकी है। रिपोर्ट में किए गए दावों में दम नजर आता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला और अमेरिका के पास इसके सबूत भी मौजूद है। ये रिपोर्ट क्लाजोन नाम की यूनिट ने खुफिया सूत्रों के हवाले से की है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंथोनी क्लॉन ने इस पर आर्टिकल लिखा। न्यूज एजेंसी ने इसे पब्लिश किया। इसके मुताबिक वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा अमेरिका कर रहा है उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर जैविक युद्ध की तैयारी की साजिश रचना भी शुरू कर दिया है। निशाने पर भारत के अलावा पश्चिमी देश और अमेरिका है। इन देशों को संक्रामक बीमारियों का निशाना बनाया जाएगा। रिसर्च पर होने वाला खर्च चीन की वुहान लैब ही उठाएगी। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से कहा गया, एंथ्रेक्स जैसे वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किए जाने का खतरा है। इस पर पाकिस्तान और चीन 3 साल की सीक्रेट डील कर चुके हैं। जैविक हथियार तैयार किए जाएंगे, इसके लिए जरूरी मिट्टी से संबंधित टेस्ट किए जा चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को इस बारे में डाटा और दूसरी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करवा दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की साजिश रची है। खास बात यह है कि भारत और पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। चीन अपने यहाँ इन साजिशों को अंजाम नहीं देना चाहता, लिहाजा उसने ये साजिशों से जुड़े टेस्ट पाकिस्तान की धरती पर करने का प्लान बनाया। खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान की लैब में वायरस आउटब्रेक यानी इनके बाहर निकलने पर रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।